वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैलानी बहराइच रेलखंड की, जो कि छोटी लाइन है जैसा आप सब जानते हैं, और हमारे NER जोन के लखनऊ मंडल में आता है। हाल ही में DRM लखनऊ मंडल डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री जी ने इस रूट का निरीक्षण भी किया था और विंडो ट्रेलिंग की थी। लेकिन इस रूट की जो जन समस्याएँ हैं वो ये है कि वर्तमान में मैलानी बहराइच के बीच मात्र एक जोड़ी रेलगाड़ी संचालित हो रही है, और वो भी जो ट्रेन है एक दिशा से जाती है, यानी कि जो ट्रेन मैलानी से बहराइच जाती है वो फिर अगले दिन बहराइच से आपको वापस आने के लिए ट्रेन मिलेगी। सेम डे दो ट्रेन चलती हैं, एक सुबह मैलानी से चलेगी बहराइच के लिए, और वैसे ही ठीक बहराइच से चलती है मैलानी जंक्शन के लिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि वन वे ट्रैफिक है अभी। यदि आप मैलानी से बहराइच की दिशा में यात्रा करते हैं तो वापसी के लिए कोई ट्रेन नहीं है, और उसी प्रकार से अगर आप बहराइच से मैलानी आते हैं तो वापसी में कोई ट्रेन नहीं है। लॉकडाउन के पहले इस रेलखंड पर जो रेलगाड़ियां चल रही थीं उसमें ये सुविधा थी कि तुकनिया से भी ट्रेन चलती थी। मैलानी से दो जोड़ी रेलगाड़ियां थीं बहराइच के लिए, जो कि वर्तमान में अब इस रेलखंड पर सिमट कर सिर्फ एक रह गई है। तो जो दैनिक यात्री हैं या इस रेलखंड पर चलने वाले तमाम सारे जो यात्री हैं, उनकी ये मांग है कि इस रूट को भी ध्यान दिया जाए, रेलवे इस पर ध्यान दे। और तिकुनिया से ये वीडियो भेजा है हरप्रीत भाई ने, उनके वीडियो के साथ हम बात को पूरा करेंगे। भीड़ बहुत अधिक होती है, एक ट्रेन में संभव नहीं हो पाता है कि जो पूरा लोड है वो जा सके। यदि कोई दैनिक यात्री या जो गरीब मजदूर हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वापसी में उनके लिए फिर ट्रेन नहीं मिलती है, ये दिक्कत है। तो कम से कम इस रूट पर दो ट्रेन्स और बढ़ानी चाहिए, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को कर दें इस प्रकार से, या जैसे पूर्व में हमारा टाइम टेबल था जैसे ट्रेन्स चलती थी, उसी प्रकार से लॉकडाउन के बाद वो सभी ट्रेन्स वापस अब आनी चाहिए। क्योंकि सभी जोन्स में जो ट्रेन्स लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई थी कोविड काल में, वो धीरे धीरे वापस आ गई हैं। तो छोटी लाइन का ये जो हमारा सेक्शन है, बहराइच से नानपारा जंक्शन होते हुए मैलानी तक का तिकुनिया होते, इस पर भी जो रेलगाड़ियां पहले चलती थीं वो सभी रेलगाड़ियां वापस आनी चाहिए। लोगों की ये मांग है क्योंकि जनता को बहुत कठिनाई हो रही है। 9 डिब्बे की इस ट्रेन में जो है आप देख सकते हैं यात्रियों की जो भीड़ होती है वो बहुत अधिक होती है, घुसना मुश्किल हो जाता है। लोग गेट पर लटक करके यात्रा कर रहे हैं, डिब्बों में पर्याप्त जगह नहीं होती है, तो लोगों की बहुत समस्या है। जो दैनिक यात्री हैं उनकी बहुत परेशानी है, इस रूट पर चलने वाले जितने भी मजदूर हैं गरीब लोग हैं, और यहाँ पर जो स्टेशंस पड़ते हैं जैसा आप जानते हैं उनकी कनेक्टिविटी बस द्वारा नहीं है बहुत अच्छी। जो रोड की कनेक्टिविटी है यहाँ से नहीं मिलती है, बहुत ही रिमोट एरिया है, जंगल के अंदर के तमाम सारे जो हॉल्ट्स हैं छोटे छोटे जो स्टेशंस हैं, तो इसलिए जो रेलगाड़ी है वही एकमात्र सहारा है लोगों का। मीटर गेज की जो ट्रेन चल रही है ये अंग्रेज़ों के ज़माने की, तो इस पर अगर एक जोड़ी रेलगाड़ी और बढ़ जाए कम से कम तो यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इस ओर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। अभी जो वर्तमान में स्थिति है आप देख सकते हैं कि जो डिब्बे हैं पूरे पैक्ड आते हैं, आप देखिए बाहर तक लोग आपको लटके हुए नज़र आ रहे होंगे, खिड़की से आप दृश्य देख सकते हैं ट्रेन का किस प्रकार से यात्रियों की भीड़ है। ऑलरेडी ट्रेन पैक्ड है और तिकुनिया से अभी सवारियां इसमें चढ़ेंगी और तो बैठने की बिल्कुल जगह नहीं होती है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर उनको यात्रा करनी है इस रूट पर तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत रहती है एक कि ट्रेन के अंदर कैसे घुसें कैसे चढ़ा जाए, क्योंकि तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गेट तक देखिए लोग लटके हुए हैं, दृश्य आपके सामने हैं। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो से, एक हमारी कोशिश है एक अपील है कि कम से कम एक जोड़ी ट्रेन इस रूट पर और बढ़ाई जाए। मात्र निरीक्षण होता है लोग कह रहे हैं, और उसके बाद जनता के हित में कोई भी चीज़ नहीं कर रही है रेलवे, सिर्फ निरीक्षण पर निरीक्षण हो रहे हैं।